अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज हम काफ़ के मुरक्कबात देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ की जो फर्स्ट स्ट्रोक होगी उसकी मेजरमेंट क्या है कि तीन नुकात हम सबसे पहले लगाएंगे, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी। यहाँ से हम शुरू करेंगे और यहाँ तक आएंगे। हल्की सी इसमें कर्व है, ठीक है। यहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे यहाँ तक, और फिर घुमाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ से आप रीटच करके इसका जॉइंट ठीक करेंगे। ये आप पहले सीख चुके हैं कि आधा नुक्ता जो है अगर सेपरेट लाइन लगाएं तो इसमें कर्व आता है, बाहर की तरफ है ये। यहाँ पे इसका ताज बनेगा और यहाँ से इसकी डंडी बनेगी। ये है काफ अलिफ, ठीक है। और यहाँ से ये कितना नीचे गया है, यहाँ से ये एक नुक्ता, इससे ज़्यादा नीचे नहीं लेकर आना आपने, जस्ट वन नुक्ता। इसके बाद काफ बा में ये जो स्ट्रोक है ये पांच नुकात की होगी। और ऊपर से तीन नुकात की ही होगी, चाहिए थी ना, यहाँ से तीन नुकात की ही होगी। ये आए, यहाँ से हल्का सा नीचे की तरफ होते हुए ये ऊपर, और फिर यहाँ से बा बना देंगे। यहाँ पे इसका ताज बनेगा। और यहाँ से यह काफ बा, आगे देखते हैं काफ जीम। काफ चीन में भी ये यूं ही फर्स्ट स्ट्रोक लगेगी। यहाँ पे इसका ताज होगा, यहाँ से यहाँ से आप कलम रख के नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है। और फिर कलम इसके अंदर ही आपने यहाँ पे चलाना है, यहीं पे रख के आप स्ट्रेट चलाएंगे यूँ। और फिर यहाँ से जैसे आप जीम बनाते आए अभी तक, सेम वही। ठीक है, काफ दाल। जगह कम बची है, गलती हो गई, लेकिन आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपने काफ सीखा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएंगे और
यहाँ से इसके साथ दाल मिला देंगे। आगे लिखते हैं काफ आइन, यहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे आधा नुक्ता, ये वाला आधा नुक्ता नीचे की तरफ आना है आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ से घुमाते हुए यहाँ की तरफ ले जाएंगे और फिर यहाँ से यूँ लाएंगे, ठीक है। और यहाँ से काफ आइन, इसके बाद देखते हैं काफ़ा दूसरी शेप में भी लिखा जा सकता है, जैसे हमने काफ दाल देखा यूं, यहाँ से हल्का सा ऊपर की तरफ जाएंगे यूँ बाहर की तरफ, फिर अंदर को और यहाँ से नीचे, ठीक है। ये इसकी शेप होगी और फिर यहाँ से सेम जैसे फा लिखते रहे हैं, ये बाकी शेप है वो बना देंगे। ये हो गया काफ़ा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं काफ काफ, यहाँ से वही आप दायरा बना देंगे। यहाँ से ताज, ये काफ काफ, यहाँ पे लिखते हैं काफ लाम, जैसे काफ अलीफ लिखा था उसी तरह से सेम ये होगा। यहाँ से इसका ताज, यहाँ इसकी टंडी, ठीक है। और यहाँ से इसके साथ जो है वो लाम मिला देंगे, उसका दायरा इसके ऊपर चलाएंगे, इसके सामने आके इसको अलहदा कर देंगे। और यहाँ से ये हो गया काफ लाम, ठीक है। इसके बाद देखते हैं काफ मीम,
यहाँ से इसके साथ नीम की शक्ल मिला देंगे। काफ नीम लिखते हैं, काफ नून, ये इजी ही है, आप खुद लिख सकते थे। चलो लिख देते हैं ये, और साथ में इसका दायरा बना दें। काफ नू, ठीक है, आप देखते हैं काफ हा, यहाँ से इसके साथ हा मिला देंगे। ये काफ हा बन गया, ठीक है। यहाँ से एकदम नोक नहीं होनी चाहिए, इस तरह से होगा। इसके बाद काफ या, इसके ऊपर ही दोबारा रख के इधर लाएंगे, और यहाँ से इसके साथ छोटी या मिला देंगे। ठीक है, अब रह गया बड़ी या काफ, बड़ी या ये सेम ऐसे ही है। यहाँ से इसका ऊपर डंडा बन जाए, बड़ा ही बनाना है आपने। ये वीडियो बनाने की वजह से जो है ना ऊपर ऊपर मुझे बनाना पड़ रहा है, इस वजह से। आज कहते हैं काफ़ी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।